दोस्तों बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से शादी करने का एक बहुत बड़ा राज खोला है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र के साथ आखिर शादी करने की क्या थी मजबूरी ड्रीम गर्ल की? धर्मेंद्र ने शादी से पहले ही हेमा के साथ ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से हेमा मालिनी उनसे शादी करने को मजबूर हो गई थी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे, लेकिन यदि आप अभी बच्चे हैं तो कृपया इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, क्योंकि यह केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ काम करते समय अभिनेता और अभिनेत्री कभी न कभी प्यार के चक्कर में पड़ ही जाते हैं, क्योंकि फिल्मों में काफी सारे रोल ऐसे होते हैं जो करते समय अभिनेता और अभिनेत्री असल जिंदगी में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई अभिनेता या अभिनेत्री पहले से ही शादीशुदा हो तो वह ऐसा रोल करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि ऐसे रोल का उनके पर्सनल लाइफ में बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही इससे कुछ उल्टा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री हेमा मालिनी के रिश्ते के बारे में। आपको बता दें कि जब दोनों ने आपस में शादी की तो धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और दो बच्चों के बाप बन चुके थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी हेमा मालिनी ने उन्हें अपना जीवन साथी चुना। इसके पीछे का कारण हेमा मालिनी ने अपने दिए एक इंटरव्यू में बताया है। इससे पहले आपको बता दें कि साल 1954 में अभिनेता धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी, जिससे उनके दो बेटे भी हैं। लेकिन 70 के दशक में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ काफी सारी फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थी, यहां तक कि खुद धर्मेंद्र ही हेमा से शादी करने को एक्साइटेड थे। लेकिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन धर्मेंद्र उनकी बातों को कहां मानने वाले थे। फिर हेमा ने बताया कि खुद धर्मेंद्र ने उनसे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उस समय वह अभिनेता जितेंद्र के साथ समय बिता रही थी, इसलिए हेमा ने धर्मेंद्र से इसके बारे में सोचने के लिए समय मांगा था। लेकिन धर्मेंद्र ने हेमा के लिए अपना धर्म तक बदल लिया था और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था ताकि वह हेमा से शादी कर सके। इसी वजह से दोनों ने शादी कर ली और उनकी दो बेटियां भी हैं। हेमा मालिनी का ये भी कहना है कि उन्होंने दोनों परिवारों के बीच कभी भी असहजता महसूस नहीं होने दी, यही कारण रहा कि उनका रिश्ता आज भी मौजूद है। तो दोस्तों आपको हेमा मालिनी अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।